पता है मुझे इस लॉकडाउन में एक चीज़ क्या रियलाइज़ हुई, जब मोदी जी ने पहली बार अनाउंस किया था कि लॉकडाउन हो चुका है, तो पता है मेरे मन में क्या ख्याल आया था? जल्दी से जाता हूँ, एक अगर पैसे नहीं है तो लोन पे गाड़ी उठाता हूँ, एक बहुत बेहतरीन सी गाड़ी उठाता हूँ कोई भी। और सेकंड मेरे मन में ये ख्याल आया था कि उसके बाद मैं कपड़े के शोरूम में जाऊँगा, या तो रेमंड्स या तो कोई थ्री पीस सूट खरीदूंगा। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे आईफोन 11 खरीदना है। अब मेरे बहुत टेंशन में था कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे खरीदूंगा। गाइस मजाक कर रहा हूँ यार, आप सब भी सोच रहे होंगे क्या बोल रहा, पागल हो गया। हाँ, मेरे भी मन में आप लोगों की तरह यही ख्याल आया था कि यार लॉकडाउन है, अभी पता नहीं कल से सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं जाता हूँ जो भी ज़रूरत के सामान है, दाल चावल, रोटी के लिए आटा, ये सारी चीज़ें खरीद के आता हूँ और स्टॉक में डाल देता हूँ। तो मुझे भी पता है कि इंडिया ही नहीं, बाकी सारी वर्ल्ड में भी सब लोगों के दिमाग में बस यही ख्याल आया होगा। तो इसके पीछे मेरा मतलब क्या है कि जो ये सारी परेशानियाँ हैं, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी हमारे वांट्स के वजह से, हमारी इच्छाओं के वजह से, कि हमारी हमेशा हम रेस में लगे रहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हमें ये बड़ी गाड़ी खरीदनी है, वो चाहे हमें लोन पे लेना पड़े, उसके बाद लोन भरते रहना पड़े, वो ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। गाड़ी लो तो बेसिक भी ले सकते हो अगर तो आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, लेकिन हमें वो बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। हमारे वांट्स नेवर एंडिंग है, और उसको चेस करने के लिए अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, अगर हम महीने का 1 लाख कमा रहे तो हम सोचते हैं कि हमको 2 लाख कमाना है, 2 लाख कमा रहे तो हम सोचते हैं कि हमको 3 लाख कमाना है। ऐसे हमारे वांट्स कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि यार एक ये जो वायरस आया है, इसने क्या एक सिंपल लाइफस्टाइल, ये हमें पीछे लेके गया और एक सिंपल लाइफस्टाइल में जीना हमें सिखा रहा है, और एक सेटबैक है पूरे ह्यूमन रेस के लिए कि हाँ यार रुक जाओ, संभल जाओ, बहुत हुआ। पता है ये भी एक सोचने वाली बात है कि समझो एक अमीर इंसान है या मैं हूँ, मैंने वन फाइन डे मेरी एक इच्छा जनरेट हुई, मेरी एक वांट जनरेट हुई कि मुझे मेरे घर को रेनोवेट करना है। तो उस रेनोवेशन के चक्कर में बहुत सारे फर्नीचर्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या आएगा, तो वो मेरी एक वांट जनरेट हुई। मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि फर्नीचर का ये वो, और मेरे एक वांट के चक्कर में वो फर्नीचर बनाने के लिए हज़ारों लाखों ट्रीज़ ने कुर्बानी दे दी। सारे ट्रीज़ कटेंगे तभी तो आपका फर्नीचर बनेगा। तो ये तो मैंने एक वांट का एग्ज़ाम्पल दिया है आप लोगों को कि इंसान के अंदर जब भी कोई इच्छा जनरेट होती है, एक वांट, उसके पीछे पता नहीं कितने सारे सेक्रीफाइसेस है। अब ऐसा नहीं है, समझो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि पहले मैं मोटा था, मैं करीबन 110 किलो का था जब मैं, बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ट्रांसफॉर्म किए हुए, अभी तो मैं फिटनेस लाइन में हूँ। तो सबसे पहला पतला होना है तो आप सही तरीके से, अगर आपको पतला होना है तो आपको प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बढ़ाना पड़ता है आपके बॉडी में। अब उस प्रोटीन कंटेंट आप जानते हो कि अगर वो बढ़ाना है तो सबसे अच्छा सोर्स होता है नॉनवेज। तो मैंने चिकन अंडे खाना शुरू कर दिया और मैं रोज़ चिकन अंडे खाता हूँ। तो अब वांट मेरी है, मुझे पतला होना है, मुझे सिक्स पैक्स वाली बॉडी चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है, मेरी मेरी पर्सनल जो भी नीड हो, मेरे रीजंस हैं। लेकिन उसके पीछे न जाने कितनी, बोलना नहीं चाहिए कि कितनी मुर्गियों ने कुर्बानी दे दी है, कुर्बानी दी नहीं है, हमने ले ली है उनसे कुर्बानी। तो बस यही था कि मेरे मन में ख्याल आया था कि बस यही एक थॉट चल रहा था कि यार मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा है इस लॉकडाउन से कि यार सिंपल तरीके से भी जिया जा सकता है। और इंसान की जो वांट्स होती है, हम एक ऐसे स्पीशीज़ है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। अगर हमें इतना मिला है तो हमें इतना चाहिए, अगर इतना मिला है तो हमें इतना चाहिए। तो बस मैंने यही सीखा था कि वांट्स नेवर एंडिंग है, और सारा जो जड़ है वो हमारी वांट्स का ही है। जो आज हम सिचुएशन में हैं वो हमारी वांट्स के लिए ही है। कहीं ना कहीं चाइना वाले लोगों ने भी अगर एक बार चिकन खाया था तो उनका मन हुआ चलो आज कुत्ता खा के देखते हैं, कुत्ता खाया तो उनका मन हुआ अरे यार ये भी डिलीशियस है तो चलो आज स्नेक खा के देखते हैं, स्नेक खाते खाते उनका मन हुआ था चलो चंगादड़ खा के देखते हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अब आपकी क्या
क्या राय है, आपने क्या नया सीखा है इस लॉकडाउन पीरियड में, आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं।